हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, उनके बारे में ही बात करूंगा आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, पसंद आए तो लाइक करें बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकी लिंच के बारे में। जैसा कि आज हुए रॉकी एपिसोड में बैकी लिंच वर्सेज लिव मॉर्गन के बीच टाइटल रीमैच दिखा था। ये एक स्टील कैज मैच था जिसमें बैकी लिंच की हार हुई और मॉर्गन टाइटल बचा चुकी हैं। वहीं मैच के बाद बैकी लिंच ने बैक साइड से एक फोटो पोस्ट करी और कैप्शन में लिखा टू बी कंटिन्यू। अब आपको बता दूं, बैकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट 1 जून को एक्सपायर होने वाला है। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में बैकी लिंच का आखिरी मैच था। इट मींस बैकी लिंच ने यहां हिंट दे दी है कि वो कुछ टाइम के ब्रेक पे जाने वाली हैं, उसके बाद ही वो WWE में दिखाई देंगी। अब ये टाइम बताएगा कि वो कब दिखाई देंगी। वहीं मैच के बाद बैकी लिंच को रिंग में बैठा हुआ देखा गया, बहुत ही ज्यादा सैड देखा गया, फैंस कोर्ट के वो देख रही थी, एक तरह से वो हिंट दे रही थी कि भाई मैं अब ब्रेक पे जाने वाली हूं। अब पहले से ही बहुत सारे सुपरस्टार, बड़े सुपरस्टार WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अब बैकी लिंच भी शायद हमें रॉ में नहीं दिखाई देंगी। और स्पेशली आपको बता दूं, रेहा रिप्ले जैसी बड़ी सुपरस्टार भी रॉ में इस टाइम नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि भाई WWE बिना इन बड़े सुपरस्टार के कैसे WWE को रन करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन और जेब कतरा यानी कि डॉम के बारे में। जैसा कि लिव मॉर्गन ने आज बैकी लिंच के अगेंस्ट टाइटल बचा लिया, जिसके बाद मॉर्गन ने डोमिनिक को चुम्मा दे दिया। ये देखने से पहले मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद क्यों हो गया। अब सवाल यह कि लिव मॉर्गन और डॉम के बीच चल क्या रहा है। जैसा कि किंग एंड क्वीन में भी डॉम बैकी लिंच वर्सेस मॉर्गन के मैच में एंटर हुआ था ताकि मॉर्गन चैंपियन ना बन सकें, बट WWE ने हमें ऐसे पोर्ट्रे करा कि डॉम हेल्प बैकी लिंच की करने जाते थे, लेकिन फायदा मॉर्गन को हो गया। वहीं रॉके इस एपिसोड में जो कैज मैच हुआ उसमें भी यही दिखा, डॉम आया था कि मॉर्गन टाइटल हार जाए, बट फायदा मॉर्गन को ही हुआ, जिसके बाद मॉर्गन ने डोमिनिक को किस कर लिया। ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था भाई साहब, किसी ने नहीं सोचा होगा, खुद मैंने नहीं सोचा होगा कि मॉर्गन इतना बड़ा रिवर्ट देंगी डोमिनिक को। अब WWE दिखा ये रही है कि ये सब एक्सीडेंटली हो रहा है, बट कुछ टाइम बाद ये सामने आएगा कि लिव मॉर्गन और डोमिनिक दोनों मिले हुए थे। इंटेंशनली डोमिनिक और मॉर्गन ऐसा कर रहे थे ताकि फैंस को लगे कि डोमिनिक जान के ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मॉर्गन को डॉम के साथ देखा गया था, वहीं आज के एपिसोड में जेडी मैकडोना के साथ देखा गया, बैलर के साथ भी देखा गया है। तो मुझे लगता है रेहा रिप्ले की एब्सेंस में लिव मॉर्गन रेहा रिप्ले से सब कुछ छीन लेंगी। टाइटल तो ले चुकी हैं, अब धीरे धीरे जजमेंट डे के मेंबर्स को भी वो अपनी साइड कर लेंगी, और जब रेहा रिप्ले लौटेंगी तो वो अकेले ठनठन गोपाल रह जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंग जनरल गंथर, ड्रू मैकेंटायर और डेमिन प्रीस्ट के बारे में। रिसेंट के रॉके एपिसोड में ये तीनों हमें प्रोमो में दिखाई दिए। गंथर आगे कहते हैं कि डेमियन शॉर्टकट लेके चैंपियन बनाए, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप प्रेस्टीजियस नज़र नहीं आ रही है। अब डेमियन आते हैं, वो आगे कहते हैं कि तुम्हें समर स्लैम में मैच मिल जाएगा, तुम भी जानते हो और सब जानते हैं कि तुमने रैंडी ऑर्टन को नहीं हराया है और तुम शॉर्टकट की बात कर रहे हो। अब ड्रू मैकेंटायर आते हैं तो गंथर तो वहां से चले जाते हैं, वो आके डेमियन प्रीस्ट को कहते हैं कि मैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा, सोलो सिको अगर नहीं आता बीच में तो मैं पहले ही UK में चैंपियन बन चुका होता, बट कोई नहीं अब फिर बनूंगा। एक तरह से ड्रू मैकेंटायर ने अपने मैच को हाइप करा क्लैश एट द कैसल के लिए। अब देखते हैं डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकेंटायर में से कौन जीत के समर स्लैम में गंथर को फेस करता है। हालांकि समर स्लैम अगस्त में होना है जिसमें टाइम है, अब आप सोचो जून में ही पता चल जाएगा कि गंथर समर स्लैम में किसे फेस करेंगे, और WWE अगस्त तक गंथर को उसके साथ इन्वॉल्व दिखाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में। क्या अलेक्सा ब्लिस बैकस्टेज रॉ में आज मौजूद थी? कुछ इमेजेस आ रही हैं जिनको देख के कहा जा रहा है कि अलेक्सा ब्लिस बैकस्टेज रॉ में मौजूद थी। शेमस जब काइजर के पीछे पीछे बैकस्टेज जाते हैं तब उनके साथ कुछ माइक्रोसेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे साइड में अलेक्सा ब्लिस खड़ी हूँ। ये कुछ पिक सामने आई हैं, इस पिक को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ ये अलेक्सा ब्लिस ही हैं। जब वीडियो मैंने देखी थी तो वीडियो में भी अलेक्सा ब्लिस ही वो नज़र आ रही हैं। वहीं एक इमेज और सामने आई है जिसमें आप देख सकते हो कि वाइट स्ट्रिप और ब्लैक स्ट्रिप वाली पैंट भी वो पहने हुए हैं, जो कि फिंड से कंपेयर करी जा रही है, क्योंकि फिंड भी इसी तरह की एक पैंट पहनते थे जिसमें रेड और ब्लैक स्ट्रिप होती थी। अब आप बताना आपको अलेक्सा ब्लिस ये लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। वहीं आपको बता दूं कि अलेक्सा ब्लिस ने इसके बाद एक स्टोरी भी पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे, जिससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ भाई अलेक्सा ब्लिस रॉ पे थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंकल हाउडी के बारे में। रिसेंट के रॉके एपिसोड में फिर से QR कोड दिखा जिसपे दो वीडियोस निकल कर आई हैं। एक वीडियो में वही ब्रे वाइट की थेरेपिस्ट है जो कुछ दिन पहले की वीडियो में गायब हुई थी। इस वीडियो में वो दिखाई दे रही है और बताती है कि वह अपने मिसिंग होने के बारे में कंसर्न करने के लिए हम सभी को थैंक
कहती है हर किसी के इतना कंसर्न होने पर वो सरप्राइज सी लगती है और कहती है कि वो पूरी तरह से ठीक थी और कभी भी किसी खतरे में नहीं थी वो, और कहती है कि मैं थैंकफुल हूँ उसने मुझे फ्री कर दिया। अब किसने कर दिया वो तो खैर वही जाने। वही दूसरा वीडियो भी उसी कमरे का है जिससे मैं वो थेरेपिस्ट गायब हुई थी उससे पहले का, उसमें मिरर की साइड में प्लूटो का साइन दिखाया जाता है। गायब होने से पहले उस कुर्सी पर एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देता है, अब पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है। वहीं एक वेबसाइट सामने आती है जिसमें डिक्री 900 करके कुछ दिखता है जो कि एक लॉ था जो कि 17 जून को पास हुआ था। अब सब मान रहे हैं कि शायद 17 जून को डेब्यू हो सकता है। 17 जून की एक और हिंट है जो कि सब लाइन्स के फर्स्ट लेटर को देखें तो ये जून और रोमन में XV11 होता है, यानी कि रोमन में इसे 17 कहते हैं। और भी 17 से जुड़ी कुछ हिंट दी गई हैं, कुछ बर्ड है जो कि शायद जब आई थी वो भी 17 जून को था। हालांकि मुझे बिलीव नहीं है, हो तो ठीक है ना हो तो ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE में पहली बार कोई डेट की हिंट नहीं दी जा रही है अंकल आउडी को लेकर के या वाइट सिक्स को फैक्शन को लेकर के, पहले भी इस तरह की डेट सामने आई हैं। अभी रिसेंट की बात करें तो 25 भी इस तरह की हिंट थी जो कि सऊदी अरेबिया का इवेंट था, अब वहां पे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बस WWE वीडियोस और QR कोड से ही खेलती चली आ रही है, पता नहीं कब वो अंकल हाउडी को लाएगी। अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूं चीजें कहीं ना कहीं बोर होती जा रही हैं क्योंकि सभी फैंस को पता चल गया है, मतलब जो WWE नहीं भी देखता हुआ जो सो भी रहा हो ना उसको ही पता चल गया है कि भाई अंकल हाउडी और वाइट सिक्स फैक्शन WWE में दिखेगा और उसी को लेकर के इतना सब कुछ दिखाया जा रहा है। अब WWE इतनी मेहनत कर रही है QR कोड टीजर पे वीडियोस पे, तो भैया लेके तो आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप लेकर आओ और उनको लेकर के आप अच्छी स्टोरी लाइन ना दिखा पाओ। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहां तक वीडियो देखे और लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।